अल्लाह कहिंदा मैनू ऊंग भी नहीं आंदी, सौणा ते दूर दी गल है, मैनू ऊंग भी नहीं आंदी, क्योंकि ऊंग पता किन्नू आंदण, नींदर दी भैण। ओ जदों बंदा ऐं करदा ना तां ही करदा कि ओनू उस टाइम पता नहीं लगदा। अल्लाह दा हो सकदा मैनू ऊंग आ गई होवे, तू इधर रो रो के मेरे कोल मंग रहा हो, जे मैनू ऊंग आ गई, जे अल्लाह नू नींद आ गई, ते तेरिया दुखिया दिया दर्द आवाज़ा कौन सुनेगा। अल्लाह अकबर। रात सदो अल्लाह सुनदा, दिन पुकारो अल्लाह कबूल करदा, रात पुकारो अल्लाह कबूल करदा, हौली पुकारो मोड़ भी सुनदा, उच्ची पुकारो मोड़ भी सुनदा। एक नबी है, नबी जे थक नहीं गए हो तो सुनावा गल, सुभान अल्लाह। एक बजुर्ग गांधे पयान बैठा है, वाह होगी जरा मुक्तसर, मैं मुक्तसर ही है आज, मुक्तसर ही है। एक नबी सस, एक नबी पाक है, नबी ओ मोबाइल जेल चला गया, नबी है तो चला गया मोबाइल जेल च। तुसी कहना चंगा मौलवी तू आज साढ़े मत्थे लगा है, भला मोबाइल जेल भी होती है? ए जेल मोबाइल है, कदी इत्थे है कदी उत्थे है, ते पता हुंदा ठिकाना ही कोई नहीं। जेल भी ऐसी है जेड़ी है भी मोबाइल, ते हुंदा दरवाजा भी कोई नहीं, ना बाहर बत्ती है ना अंदर बत्ती है। भाई चलो बत्ती तो पता लग जावे भी उत्थे मोबाइल जेल भी जांदी है, बंदा कोई पता कर सके। हाँ मेरे भाईओ, पानी दे अंदर मच्छी है, मच्छी मोबाइल जेल है, उनके अंदर यूनस नबी है। अल्लाह अकबर। ठिकाना हा उस मच्छी का, क्यों शुमाल च ही बैठी आई, जनूब च नहीं जा सकती, वो टुर फिर सकती है। फिर एक मच्छी नहीं हजारा मच्छियां, किन्दे विच नबी है, यह भी सुर किसे नूं नहीं लगनी सिवाय अल्लाह दे। अल्लाह ने किया टेलीफोन, सुनिया उस जेल ने अल्लाह का टेलीफोन सुन लिया, मच्छी ने सुनिया के नहीं, मच्छी ने और टेलीफोन अल्लाह किया के नहीं, मेरा मेहमान आ रही खावी ना बेडरूम, तेरा पेट उनका बेडरूम बनेगा। जदो मारी ना छाल तो सीधे तुक हो गए, तो हैरान हो गए, मैं तो पानी च छाल मारी है, ना कपड़े गिले हो ना जिसम गिला होया, ये नीम गर्म बेडरूम कहां से मिल गया है? आए आए जे मेरे भाईओ, मोबाइल जेल में ते जेल दे अंदर बेडरूम भी अंदर वीआईपी मेहमान जो गया है। ओ नबी तो वड्डा वीआईपी मेहमान कोई है? आए अल्लाह ने जेल नु फोन किया, जेल तैयार है, यूनस नबी ने मारी छाल चले गए जेल में। ऊपर हो जा यार, ए मैं नहीं बोलन देंदा। आज तो कौन कौन नोंदी है ना, तो जेड़ी मेरी तबीयत खराब होंदी बस ना करना दाना चुको काम। अच्छा मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जब मोबाइल जेल च नबी चला गया, ईमान ना दसो केडी परेशानी, हसना तो सौखा है लेकिन उस जेल जाना बहुत मुश्किल। इत्थे दो गल्लां होनियां ने, अल्लाह हुण नबी दा अकीदा की है, क्यों जी सारी दुनिया दे मसलकां ते तां हिट हो सकदी है, नबियां दे मसलक ते भी हिट हो सकदी। की नबी यूनस दा मसलक है, की अकीदा है? अल्लाह मैं जिथे भी चला गया मैनू तू रब देख भी रहा है और मेरी आवाज भी तू सुन रहा है, इस अकीदे नाल दुआ की। अल्लाह कहिंदा है कि नबी यूनस ने मच्छी दे पेट च दुआ की, आई अगर ना कर दे क्यामत तक मच्छी दे पेट च रहंदे, की दुआ है? ला इलाहा इल्ला अंता सुभान कुलतु मिन ज़ालिमीन। मेरे भाइयों कहने लगे अल्लाह मैं तू गलती हो गई, अल्लाह तू मेरा अल्लाह नहीं है, तू मेरा मुश्किल कुशा नहीं है,
अल्लाह तू मेरा हाजत रवा नहीं है, अल्लाह तू मैनू रिहाइया दे सकना है। ये दुआ हो रही है, दुआ का नतीजा की है? अल्लाह ने रिहाई दे छड़ी ते अल्लाह फरमांदा है जे मेरा यूनस नबी दुआ ना मंगदे सुस्ती कर जांदा है, कयामत दियां दीवारा तक इस मोबाइल जेल दियां दीवारा च रहंदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे भाइयों तवज्जो करिया, पाकिस्तान ते हिंदुस्तान दी अजे अलहदगी नहीं सी होई, उत्थे एक इलाका सी। हुण तवज्जो जरा करिया, उस इलाके दे अंदर पानी कड़वा सी, हिंदू मिल के ईसाई मिल के ते आ सिख मिल के और उस इलाके दे जितने मुसलमान आन उन्हां भी मिल के एक प्रोग्राम बनाया कि सारी उम्र साढ़े वड़के कौड़े पानी पी पी के मर गए ते कोई हल करिए कि पानी मिठा हो जाए। वो सारिया ने आख्या जी की हल है, हुण हकूमत चूके हिंदुआं दी सी, उन्हें आख्या जी साडा मौलवी साहब आएगा वो इत्थे जमीन ते कुछ पड़ेगा, जे उनके दुआ नाल पानी हो गया मिठा ते फिर ता क्या बात है, ते जे ना मिठा होया ते फिर ईसाइयां नूं दावा दित्ती जाएगी, फिर सिखां नूं दावा दित्ती जाएगी, आखिर ते मुसलियां नूं भी दावा दित्ती जाएगी। मुसले कहिंदे आण हिंदू मुसलमानां नूं, आखे फिर उन्हां नूं बुलाया जाएगा। हुण जिहड़े आण ना माशाला हिंदू, उन्हां दा मौलवी हुंदा पंडित, पंडित डेढे च पढ़दा रहा, कई डेढे पढ़ा की आदत पाऊ पढ़ा, हूँ उच्ची पढ़ता तो कोई समझ आती, डेढे पढ़ता रहा। उन्हें आख्या जी हूँ पट्टो जमीन पानी मिठा हो गया, जो पानी पट्टी जमीन पानी अगे ना भी पहाड़ लगा तू, क्योंकि वह दुआ मंगता कदई होर दे पिया सी तो मिठे करण वाली जात कौन है। हाय हाय, फिर आ गया दुआ बेली पादरी साहब, वह मंगता रहा डेढे, मंगता रहा डेढे, जदों पट्टी जमीन से पानी फिर कौड़ा। फिर आ गया ननकाने वाला बेली, वह पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, पानी फिर कड़वा। कहन लगे जाओ मुसलमानों एक खुशखबरी सुनावा थानू, अपने उस आलिम नू बुलाओ जिंदी अल्लाह आवाज जिंदी दुआ नू अल्लाह कबूल फरमांदा होवे, ऐसा नेक बंदा तलाश करो अज इत्थे आके दुआ च पढ़े, अल्लाह उंदी दुआ दी बरकत नाल पानी मिठा कर देवे। असी हिंदू ईसाई ते जितने असी लोग हैं गैर मुसलिम, असी सारे मुसलमान होके तुहाडे नबी पाक दे मुरीद हो जावांगे। बड़ी वड्डी वैसे खुशखबरी आई। हुण फिर मुसलमाना दे अंदर भी चार पांच जन सुन्नी मुसलमान, बरेलवी मुसलमान, देवबंदी मुसलमान, शिया मुसलमान, अहलदीस मुसलमान, उन्होंने फिर इकट्ठ अपना किया। उन्होंने कहा भाई आप सारे इख्तलाफ छड़िए, आप उस बंदे नूं सदिए वाकई जिहड़ा अल्लाह दा हकीकी वली है। फिर बुलाया गया मौलाना अब्दुल्ला रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, और जाओ पढ़ो अब्दुल्ला रोपड़ी कौन है, और अहलादीसां दा आलम चुनिया गया हिंदुस्तान में। जदो दुआ दा मसला आया, और मेरे दोस्तों जदो आए फिर उन्हें मुंह च नहीं पड़ी दुआ, सुन लो किवें जल्दी कबूल होंदी है दुआ, ये भी सुन लो, तो उन्हें किवें मंगी वो भी सुन लो। पहले उन्होंने वुजू फरमाया, फिर उन्हें सलाते हाजा पढ़ी। तुसीं कहना सलाते हाजा दा संत सुर पता कोई नहीं, कोई होर दस हाजा दा संत समझ नहीं आती। चलो हाजा की समझ नहीं ना आती तो आखो नमाज लोड़ पूरी करन, लोड़ वाली नमाज, हुण तो समझ आई ने कि अजे भी नहीं आई, हुण आ गई। चलो ये नीयत कर लो मैं लोड़ वास्ते नमाज पढ़ रहा दो रखता, उन्हें दो रखता पढ़ के फिर उन्हें दुआ पढ़ी, दरूद शरीफ पढ़िया इब्राहिमी, कहिंदे अल्लाहुम्मा इन्नी असालो कबीला अंतल अहदुस्समदुल्लज़ी
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. پھر پڑھی جارن اے او الفاظ نہ جے دعا اصلی شروع نہیں ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے عربی دے الفاظ او دعا تو پہلے پڑھ لو, دعا شروع کرنے تو پہلے اللہ پھر تواڈی دعا نو رد نہیں کرے گا. ہائے ایک دا اے الفاظ پڑھے پھر پڑھن لگ پے اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء احزنا وذهاب همنا. اتنی چیزاں مانگ مانگ کے اللہ دے سامنے عاجزی کر کر کے اللہ پاک دے سامنے ملتا کر کر کے ڈگ ڈگ کے الفاظ پڑھ پڑھ کے ہن دعا کرن لگے. مولانا عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ اہل حدیثاں دا بہت بڑا عالم ہے, دعا پیا منگدا ہے اللہ پانی میٹھا کرنا کوڑے تو میٹھا کرنا تینو مشکل نہیں ہے, لیکن اج پانی میٹھا کر دے تیرے اسلام نو ٹور مل جائے گی. اللہ ڈیڑھ گھنٹہ ایو الفاظ پڑھ دے رہے پسینے پسینی ہو گئے, اللہ نو کہیں دے رہے ایو ہکو ہی جملہ, پھر کہیں دے رہے چلو دعا ہو گئی ہے ہن ذرا زمین پٹو. جدو زمین پٹی تے پانی مٹھا نکلیا ہے, آج تک وہ پانی مٹھا ہی چل رہا ہے. اللہ نعرہ تکبیر صداقت مسلک کے حق کے اہل حدیث قاری محمد یاسین بلوچ صاحب. ہوں لوگ آدھے کہ اہل حدیثاں دا ولی کوئی نہیں, تے آئے ویکھ لو کتنا بہترین زبردست ولی آدمی ہے. ہائے میرے بھائیو پھر مینوں کہنا پائے گا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي استجب لکم. او جدو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کر دے, ایمان نہ دسو قبول ہوئی ہے کہ نہیں. چاج نال کری تا جائے بلے بلے.